फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आपके पास sec x है और sec x प्लस tan x dx है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ sec x वो क्या होता है, sec x प्लस sec x इंटू tan x होता है, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x। और आपका sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, जो भी दो फॉर्म मिलेगी या इंटीग्रेबल फॉर्म की तरफ ये हम मूव करेंगे एक तरह से। देखिए sec स्क्वायर x प्लस क्या हो गया sec x और tan x dx। अब यहाँ से हम क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है तो ये अलग अलग हैंडल कर लेगा, तो sec स्क्वायर x dx और प्लस क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब ये जो आपका है, ये जो आपका sec स्क्वायर x है, सोचिए इसका डेरिवेटिव क्या, ये किसका डेरिवेटिव है, तो tan x का dy dx जब भी निकालते थे वो sec स्क्वायर x होता था, मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर का वो tan x हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। और sec x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो sec x tan x होता था, इसका मतलब इसका जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा वो sec x होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए या डेरिवेटिव के थ्रू या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो दैट इज योर फाइनल।